सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के आदमी को ज्ञान अनुभव नहीं होगा, और वो भी राम की कृपा बिन सुलभ न सोई, राम की कृपा बिना सत्संग सुन नहीं सकते। जो मैं भी ये सत्संग देता हूँ, अगर पूरे दिल्ली वाले राष्ट्रपति सबके सब जितने सब मेरे सत्संग को सुन लें, निहाल हो जाए। लेकिन बिन भी राम कृपा, उन राम की किसी कृपा नहीं। आप थोड़े से आदमी बैठे, बड़े भागी आदमी हो जो मेरा सत्संग सुन रहे हो। पूरी दिल्ली दुखी है, तो सब जो हमारे बसे मनुष्य जाति सब जगह, पर अपनी दिल्ली की बात करो, दिल्ली वाले सब दुखी है, कोई आदमी सो रहा नहीं है। और जितने बड़े बड़े लोग दिखते, रात को नींद नहीं आती है उनको, गोलियां लेके सोते हैं, करोटे बदलते रहते हैं, तरह तरह का विचार आते हैं, ये न हो जाए, ये न हो, ये न हो जाए, होना कुछ नहीं। और वह ज्ञान के अंदर सब दुखी है, तो उन ज्ञान की ज़रूरत है। और वो ज्ञान क्या है, वो मैं वो आपको ज्ञान दूंगा। वो अभी ज्ञान है जो कोई महात्मा देता नहीं है, अभी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। सब महात्मा ठीक है, जो देते हैं वो गलत नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, अपना अपना गलत नहीं, वो जो कर रहे हैं वो दे रहे हैं वो अच्छा है। जो पहली क्लास को पढ़ाता वो मास्टर जी धन्य है, और जो PhD कराता वो भी धन्य है। मैं PhD कराता हूँ बेटियों, ऊँचा ज्ञान देता हूँ। तो आप चुपचाप ध्यान से सुन लो। तो कहे बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। फिर वो कहते हैं क्या चीज़ है, सत्संगति मध्य मंगल मूला। सत्संग ही मूल चीज़ है, और बाकी जितनी सब सिद्धि साधियाँ हैं सब की सब, इसलिए लंबी छोड़ी बातें हैं। तो सत्संग मुख्य चीज़ है, और वो सुन सब सुन लेना। अभी सत्संग क्या दूँ, मैं दो दूँगा, दो तरह से बात बताऊँगा सत्संग दे के होता है। एक तो ये बताऊँगा कि इस लोक के अंदर कैसे सुखी रह सकते हो, इस लोक में जहाँ पर भी हैं कैसे सुखी रह सकते हो, और दूसरा जो है थोड़ा सा इशारा कर दूंगा आगे के लिए। सुनो, अब अमेरिका अफ्रीका सब जगह जा रहे हैं बड़े बड़े आदमी, जज डॉक्टर इंजीनियर सब सुन रहे हैं इसको, इसको सुनेंगे। तो मैं क्या बता रहा जा रहा हूँ आपको कि एक तो इस यहाँ से सुखी कैसे रह सकते हैं, इधर रहने के लिए इसके लिए सत्संग है। कैसे क्या सत्संग है, हम लोगों को ज्ञान नहीं है, ज्ञान का दुख और कोई दुख नहीं है। ईश्वर अगर कहीं है तो आपके अंदर है। ईश्वर कहते हैं वहाँ है, वहाँ वहाँ, मैं कहता हूँ आपके अंदर है। आप कहते हो ये कैसे कहते हो, मैं कहता हूँ आपके अंदर है। आप पूछे कहाँ है बता दो मेरे को, तो मैं कहता हूँ जो बोलता वो ही है आपके अंदर, बोलता वो क्या है वो नहीं कर पता को नहीं, आपको नहीं। राष्ट्रपति को पूछो उसको भी नहीं पता, चपरासी को पूछो उसको भी नहीं पता, पंडित जी को कितना बड़ा पंडित जी है वो शास्त्र पढ़ाता है, उठाओ मेरे पास, मैं पूछूँ पंडित जी आपके अंदर बोलता वो क्या है, ये है। तो आपके अंदर बोलता वो है, और वो हर एक आदमी में है नहीं, तो परमात्मा सब आदमी के अंदर है, अंश रूप में सब के अंदर है। कहाँ परमात्मा, वो जो बड़ी शक्ति है वो तो कोई जा ही नहीं सकता, सूर्य के पास कोई जा सकता है क्या, और वो तो सूर्य से भी परे है, बड़ी भारी शक्ति है, तो उसके पास तो जाने से पर ही जल जाएगा आदमी, जा नहीं सकता। तो इधर से उसको मिलने का क्या तरीका, ये मनुष्य के अंदर है। अगर ये देख ले आदमी अपने आप को, सब अनुभव कर लेता है, सब कुछ जान गया। तो अब देखने का तरीका क्या है, यहाँ दुखी हम लोग क्यों दुखी हैं, कि हमको रहना नहीं आता। क्या नहीं रहना आता, घरों के अंदर शांति नहीं है, सास बहू से नहीं बोलती, बहू सास से नहीं बोलती, बाप बेटे से नहीं बोलता, भाई भाई से नहीं बोलता, गुस्सा रखते हैं। वो जो गुस्सा रखते हो आप लोग, वो विचार है ज़बरदस्त, वो संकल्प है, वो विचार जो है वो उसका कर्म बन जाता है, जिसको कहते हैं बैड लक, शुभ कर्म। और कोई कहता गया इनके स्टार खराब हैं जी, इनका ग्रह खराब है जी, कोई कहता जी होनी थी ये, मतलब उसके बहुत से नामों से बोलते हैं उसको। और वो जो चीज़ है वो आपके अंदर है, वो आप ही बनाते हो, कोई बाहर से नहीं बनती। कैसे, जब आप अच्छा सोचते हो हमेशा अच्छा मीठा बोलते हो, जब भी साबित होते हो अच्छे बात अच्छे कर्म करते हो, सुख देते हो, तो जब आप वो विचार आपका आ गए तो आपके अनुसार जो चाहोगे वो हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या तकलीफ है, हम अपने बच्चे की शादी करने जाते हैं कहीं लड़की की लड़के की, और रिश्ता नहीं बनता, हम कहीं दुखी हो जाते हैं, दुखी होते हैं ना, जब नहीं बनता आज गए कहीं उम्मीद करके नहीं हुआ तो दुखी हो गए, और अगर गैर फट वो काम हो गया तो आके खुशी हो गई, आके बोले क्या कैसे बोले हो गया काम, दो ही बात है ना, दुख सुख है। आपके मन के अनुसार हो जाए तो आप सुखी, और मन के अनुसार ना हो तो दुखी, यार ये दुख सुख आता कहाँ से, सुन लो। आपके जो अच्छे विचार हैं, शिव संकल्प हैं,
सुंदर विचार हैं उसका फल तो आपके मन के अनुकूल होगा, और आपके जो घटिया विचार हैं ईर्ष्या द्वेष नफरत काम क्रोध मोह लोभ अहंकार वगैरह अति, उनके लिए आपके मन के प्रतिकूल होगा। तो कैसे भी एक मिसाल छोटी सी देता हूँ, आप गृहस्थी है ना सब, मैं गृहस्थी हूँ, ऐसे बड़े बड़े महात्मा नहीं जानते इस बात को, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये बात को बताता नहीं। तो वो क्या चीज़ आपको दुखी दुखी करने वाली, वो जो विचार है वो है, घर में बैठे हैं आप, पति पत्नी बैठे हैं प्यार से भोजन कर रहे हैं, अच्छी खुश हंसते बोलते हैं खूब अच्छी तरह से, कोई बात पति ने कुछ ऐसा कह दी, कुछ ऐसी बात कह दी कि वो आपका खानदान ही सा, आप मेरे खानदान का नाम लिया, अब उसे कहने की तो बात नहीं, उसे जाए तो कहना साहब, उसने कह दिया मन में कूड़ेगा, पति को ये कह दिया कि आपका खानदान, या पत्नी ने कह दिया कि आपका खानदान ऐसे है, समझो पत्नी ने कह दिया, तो पति गुस्से होकर ये सोचता रहेगा। वो जो सोचने गया उस वक्त मन ही मन सोचता, वो बोलता नहीं, और वो मन ही मन जो सोचता है वो ब्रह्मांड में अंदर की ताकत से ऊपर चले जाता है रेडियो वेव की तरह, वो जो रेडियो वेव चेने ऊपर जाती है वैसे ऊपर चला जाता है, ऊपर जाए किसी खास स्तर पर जाकर कुछ समय तक ठहरता है और फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उचित समय पर वापस आता है, जब वापस आता है तो जिस घर में चला उसी घर में आता है, वहाँ पर उसी घर में समझो पति पत्नी जो रहते हैं उसी घर में, और उस घर के अंदर आते ही मन के प्रतिकूल घटना घटेंगी, क्या घटेंगी, कोई से कार दे हो भी फर्ज करो 15 लाख 20 लाख की, और वो कार वो देखे लोग जा रहे जाते दो चार दिन कहीं गई सब एक्सीडेंट हो गया, अब सब दुखी हो गए, वह कैसे कैसे गई वह, जो आपका दुख का कारण था वो बुरा सोचा पति ने कि इसने ये कहा उसने ये कहा इसने ये कहा ये कहा, वो विचार आ गया, और वो विचार आगे आए कि उसका फल जो मिला कि आपके मन के प्रतिकूल घटना घटी, या आपका कोई मुकदमा चली शुरू हो गया आप नहीं चाहते, या कोई बीमार हो गया उसको नहीं चाहते आप, और वह घटना घटेगी। और जो आप अच्छा सोचते हो, अच्छा हमेशा के लिए घटिया सोचो ही को नहीं, घटिया विचार देने को बिल्कुल से आते हैं, चौका अच्छे अच्छे विचार सोचते हो, घटिया आएंगे रुकेंगे नहीं ये सुनना, या मेरी बात याद आ जाएगी तो स्वास्थ्य आप बन सकते हो, मैं गुरु नहीं गुरु जो मैं बात कहूँगा आपको और वो बात आपको याद आ जाएगी कि मैं घटिया क्यों सोच रहा हूँ इसका तो फल बुरा होगा, वो गुरु है जो समय पर बात याद आ जाती है। तो वो जो अभी आपके लिए अच्छे विचार होंगे तो फल क्या मिलेगा, अच्छा मन के अनुकूल तो खुश, और जो घटिया हूँ उसका भी मन के प्रतिकूल। मेरे ख्याल बुद्धिमान आदमी हो सब समझे हो, बड़े देखे आदमी हो, अगर नहीं समझे तो मैं तो और समझा दूँ आपको, इस बात को समझिए आप, दुख सुख क्या है, घटिया सोचने से जो आप गुस्से सोचते हो या गुस्सा कर गए काम तकलीफ, तो गुस्सा क्या करते हैं आज ही से व्रत कर लो, आ लो छोटी सी बात है आज ही करोगे, मैं गुस्सा क्यों नहीं करूँ, बस गुस्सा नहीं करोगे तो सोचने से बोलेगा मेरी बात, और गुस्सा आएगा तो आप उठ फुट बोलोगे। अब गुस्से के दो तरीके हैं, एक तो ये हमारा खानदानी होती है, माँ में बाप में भाई में बेटे में जो गुस्सा होता है वो हमारे अंदर आता है, माँ में जो कुछ गुण होता है वो गुण होता है जाता है बाप में उठा बहुत जाता है, और दूसरा ये है कि हम लोग जैसे घर में रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी की एक ताकत है अंदर ब्रह्मचर्य की, वो ब्रह्मचर्य क्या चीज़ है कि जो हम रोटी खाते हैं एक दिन खाना भोजन करेंगे तो एक बूंद खून की बनेगी किसी तय उम्र तक, अब मेरा नहीं बनता, मैं 95 साल का हो गया मेरा नहीं होता, वो 95 साल काफ़ी उम्र हो जाती है बहुत बड़ी तो मेरा नहीं होता, तो एक बूंद खून की बनती है, 40 दिन जो आज भोजन करेगा 40 बूंद खून की बनेंगी, 40 बूंद खून की बनेंगी तो बड़ी साफ का उम्र रहेगी हौसला रहेगा काम करने के लिए, और उस 40 बूंद का एक बूंद ब्रिज की बनती है जिससे आदमी पैदा होता है, जिससे आदमी पैदा होता है, और वो संतान उत्पत्ति के लिए तो बड़ी ऐसी रत्न है कि हम अपने से संतान पैदा कर लेते हैं, और जो स्वाद के लिए करते हैं वो अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, मन की ताकत खत्म हो जाती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है, डर लगता है, और वह चीज़ रहेगी तब तक शेर बने रहोगे, तो हमको ज्ञान नहीं इस बात का किसी को, और न कोई माँ बताती है न बाप बताता न कोई गुरु पीर बताता है, क्यों ज्ञान नहीं है लोगों को, वह जो शक्ति है वह निर्णय से आदमी का चिड़चिड़ा स्वभाव और गुस्सा आएगा, तो दो बात छोड़ दो विश्वास इतनी है, अगर आपको बाल बच्चा पैदा करना है तो गृहस्थ भोगो, और नहीं को पैदा करना आपको तो आज से बढ़ ते लो प्रतिपत्ति कि क्यों ज़िंदगी खोआ आप, क्यों ज़िंदगी खोआ वही रही, तो स्वाद और चीज़ों में बहुत है,
अच्छा खाना बनाओ, अच्छी चीज़ बनाओ, अच्छे वकील डीलिंग बनाओ, और कोई अच्छी चीज़ बनाओ तो देखिए दिल खुश हो। ये कोई वो थोड़ा है कि शाम के टाइम पर गृहस्थ में जा करके रोजाना के लिए वो शक्ति खो दे रहा। तो एक तो आज ही व्रत कर रहे उसका, और दूसरी बात है कि आपने गुस्सा करना ही नहीं बिल्कुल कभी। तो दो चीज़ कर लिया तो बात ही खत्म हो जाएगी, आपकी शक्ति को नहीं खो वो होगी, गुस्सा होगा को नहीं, गलत बोलोगा को नहीं, और चिंता। और गुस्सा आएगा तो मेरी बात याद हो जाए आपको, क्या चीज़ कैप्टन कहा गुस्सा आएगा तो उसके अंदर बड़ा नुकसान होगा हमारे को, ये याद आ जाए, वो गुरु है। ठीक है ना? तो दो बात आज ही कर लो आप, नियम कर लो कि गुस्सा को नहीं करो कभी भी। ये गुस्सा का सब काम ही गुस्सा में नाराजगी के खिलाने का, पर रुकेगा तब जब आपने मेरी बात पर यकीन हो गई और वो बात से आपको याद आ जाएगी, और वो याद नहीं आएगी तो आप जानो, और बाद में याद आओगी तो थोड़ी देर जो काम हो रही हो तो हो जाएगा। एक दो बुरा सोचने से कोई नुकसान नहीं होता, लगातार कई देर तक सोचेंगे वो है। एक दफ़े एक बात कोई आई गुस्सा, कोई बात नहीं समझ गया, कोई बात नहीं, और दो बार आ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी चौथी बार आ जाएगा वो फिर कर्म बन जाएगा आपका। ठीक है ना? साधारण गुस्सा तो आएगा, लेकिन वो बात मेरी याद आ गई कि गुस्सा करने से आपको तकलीफ है। तो आज ही सोच दो, एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करो और एक गुस्सा मत करो, और घर के अंदर सब कुछ शांति रहे। जिस घर में शांति है वो सब कुछ है, और जिस घर के अंदर शांति नहीं है वो कुछ नहीं, चाहे अरबापति हो, चाहे खरबापति हो, चाहे कितना रुपया हो, चाहे कितना पढ़े लिखा हो, जिस घर में शांति नहीं उसको कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसको पहले महात्माओं ने भी कहा, मैंने कहा है, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं घर सुख बसया तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिलाया। तो बेटियों भाइयों जो घर के में सुख है उससे सब जगह सुख है, आज के घर के अंदर सुख नहीं उसको कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुनते हो मेरी बात है? मैं गृहस्थी हूँ, से गृहस्थियाँ बात कर रहा हूँ आपको, ये बड़े महात्मा बात ही को नहीं करें, ये मैं तो बात ही करूँगा, चलो आपको अमर करा दें, चलो आप सदा करिए अमर हो जाओ। अरे अमर कहाँ हो जाए, यहाँ दुखी है तो यार किसका अमर होगा, किसका करोगा? इधर वाली बात तो बताओगे नहीं कोई, क्यों? वो जानते नहीं ग्रीष्म को तकलीफ होती है। तो घर के अंदर शांति है, सब कुछ शांति है। तो पहले आप अपने घरों की शांति रखो और आप बढ़ा सकते हो। और बहुत सी बात है ज्ञान आपने को, मनुष्य को और क्या ज्ञान है, और यह ज्ञान है कि रात को सोवा दिन का पता नहीं उठा कि नहीं उठा, इसको भूला रहा, इसी बात को याद ही को नहीं किसी को। अगर ये बात याद है आज दूर कर नहीं हुआ तो मैं घटिया बहुत हुआ, रूँ क्यों? अच्छा बोलूँ सबसे, रूसूँ क्यों किसे, नाराजी क्यों करूँ? कल का तो बेराव नहीं है, कल का पता नहीं, रात को सोए फिर नहीं, और थोड़ी सी जिंदगी की खातर किसे दुश्मनी कर ली, किसे नाराजी कर ली, क्या मतलब है? हम खेल में आए हुए हैं यहाँ पर, ये घर जो हमारा पक्का नहीं है, इधर हम भूले हुए हैं, इधर खेलने के लिए आए, परमात्मा लेके आया यहाँ पर, और हम खेल खेल रहे हैं इधर से, और खेल खेलते 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 और वो कर्म बढ़ाते हैं, फिर चक्कर फंस जाते हैं, चलते हैं मरते हैं फिर भोगते हैं। अभी जो काम करते हैं इस दिन जब तो दुख दो दूसरों का तो दोबारा पैदा होगी, जो दोबारा पैदा होगा तो वो तुमको देगा। मतलब ये रे उत्तर ढिंका थंकी बारी, युग का ढिंका भाग की बारी, मतलब ये वो पहले दुख देगा फिर जो ये दूसरों का चक्कर है ये जन्म में मरने का। तो इस चक्कर से निकलना चाहते हैं उसको कहते हैं सदा के नियम रोना। तो ये महात्मा ज़्यादा बात उसकी करते हैं, इस चक्कर से निकल जाओ जी, इस मरने जलने चक्कर से खत्म कराते हैं हम, ये तरीका है। तो आप सोचते हैं मरने जलने से है, अरे ये ज्ञान नहीं कहते इधर स्वाद आता है, और तो कहीं है ही कोई, वहाँ कैसा स्वाद है, वहाँ तो दुख है सुख है, वहाँ तो सदा के लिए शांति है। आप समझे कि नहीं? सदा के लिए शांति है, कुछ हरकत ही नहीं है आपको, सदा वदा की शांति कैसे मिलती है? वो आप रोज सोते हो कि नहीं, कितनी चिंता आपको, या कोई दर्द है बहुत ज़्यादा, और गरी नींद आ गई तो कहाँ गई वो गरी, रोज़ा हुआ है कि नहीं सबको? आपको जो गरी नींद आ जाती है तो कहाँ गई वो शांति? तो आपको गरी नींद आती है तो रोज़ सब वहीं चले जाते हो, और इसका किसी को पता ही नहीं क्या है। तो उसी हालत में महात्मा तो कहते हैं चलो सदा के लिए वहीं ले चलें। तो सदा के लिए जब आदमी शरीर छोड़ के दोबारा आएगा नहीं वो, तो फिर इधर का स्वाद कैसे मिलेगा करेंगे? इधर स्वाद आता है इस दिन में खेलो खूब, अच्छा स्वाद दो। वो महात्मा की बात बाद में सुनो, बाबा जी बाद में बताना, पहले मैं खेलना आया हूँ, खेलने दो मुझे, मैंने अच्छी बात बताओ, इधर जीने के लिए बात बताओ मेरे को, मरने मरने वाली ये बात छोड़ो, बाद बताना मेरे को। आप समझेगा नहीं? मैं कहता हूँ उनको मरने बताया जी वो तो ठीक है, मानता हूँ उरे खेलने स्वाद आ रहा, ये बताओ इधर कैसे आए? तो इधर स्वाद वाली बात बताएगा नहीं कोई,
अरे घर में सुख है, शांति है, तो सब कुछ है, महात्मा जी को खुद को गुस्सा आता है, वो क्या बताएगा इस बात को, वो बात को कुछ गुस्सा आता है, बताओ हाथ को नहीं, बड़े बड़े महात्मा ने दाड़ा राख रखे हैं बड़े बड़े, इन सबको गुस्सा आता है, और सबका मन उल्ट पुलट सोचता है, वो बताते नहीं अपनी बात, और मैं बताता हूँ सबको आता है इसमें, ऐसे कोई ना आता तो मेरे को बता दे कृपा करिए, मेरे गुस्सा को नहीं आवा, महात्माओं से प्रार्थना कर रखी हमने कि जो मैंने कुछ बताता हूँ अगर गलत हूँ तो कृपा करिए मेरा रास्ता दिखा दो, क्यों ऐसे नहीं है, बाहर से कुछ आता आप ही हैं सब, ईश्वर आप हैं, आपको गो में कैसे आप हैं, क्योंकि ईश्वर कहीं देखा इधर काम करते, या जगह किसने बनाया है मंदिर, किसने बनाया, आदमी ने बनाया होगा, दिल्ली किसने बसाई है, आदमी ने बसाई होगी, तो आपको यकीन हो गया कि ना आपके अंदर सब के अंदर परमात्मा है, तो आप ईश्वर अंश हैं, और आप इसका आज का ये विश्वास ले जो कि ईश्वर तो मेरा अंदर है, तो बहुत कुछ आ जाएगा, डर वह दूर जाएगा आपके अंदर, जब आपके अंदर ही है वो, तो आपका साथी है वो, आप उसका सहारा रखो, किसी रूप में सहारा रखो, एक को गुरु के रूप में, देवी के रूप में, बालाजी के रूप में, एक रूप में सहारा रखो, तो वो आपका सहारा है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है वह, विश्वव्यापी सत्य नहीं है वो, विश्वव्यापी सत्य में बताता हूँ, वो तो आपका सहारा है, सबका सहारा क्या है, सबका सहारा वो है, सबका सहारा वो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो एक है, सबका सहारा वो है, और वो आपके अंदर बोलता वो है, जब आपको ये विश्वास आ गया कि वो मेरा अंदर वो है, तो उसके बाद किसका डर लगेगा आपको, आप बेटी रात को जाती कोई आदमी दूसरा गलत नहीं करता, आप सोचो सब मेरा वही तो है अंदर, वही तो है सबके अंदर, जब आपको कोई भय को चोर है, ठग है या बदमाश है, बदमाश करना है, और वो आपके अंदर आपकी रेडिएशन जाएगी कि सबके अंदर वो यहाँ है, कौन तो है, कोई तो आपके मुँह से बात नहीं करते, चुप बोल नहीं सकता वो ही उसके अंदर है, तो बेटियों जब आपको विश्वास आ जाता है तो उसके बाद कोई डर भय आपको चिंता नहीं, कोई तरह विश्वास, क्योंकि वो परमात्मा के साथ आपने है, वो ये विश्वास नहीं आता है, इसको लोग उनके खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है, वरना खुदा ही पास है व्यक्ति के, जबकि यकीन मुश्किल आते हैं, यकीन हो गया कि इसका डर है, आप समझेंगे नहीं बात, तो मैं आपको सत्संग दे रहा हूँ कि आपके अंदर परमात्मा है, आप ईश्वर अंश हैं, और आप में बड़ी भारी शक्ति है आपके विचार में, तो कैसे करो इस लोक को अच्छा बनाना है, तो शिव संकल्प मस्तु, सपने में किसी का बुरा मत सोचो, जो है वो पाएगा, जो जो करेगा सो भरेगा, उस खेल में आ जाएगा चक्कर में, तो आप हमेशा करें शिव संकल्प रखो, और घर में राजी रहो, जिस घर में राजी हैं तो घर में स्वर्ग है, स्वर्ग ना सुख और नरक मानी दुख, जब आप सब सुखी हैं, बच्चा खुश है, माँ भी खुश है, सब सब के सब, तो इसका मतलब सब स्वर्ग है, और जिस घर में ये चीज़ कलेशानी है तो वो नरक है, चिंता फिक्र में सो रहे हैं, सास बहू से नाराज सुती पड़ी है, बहू सास से नाराज सो रही है, बाप बेटे से नाराज सो रहे हैं, तो नरक में, और जब खुश है सब गला सगला, और जब सो रहे सब के सब खुशी के अंदर, तो स्वर्ग है, तो बेटियों यहाँ ही तो स्वर्ग है और यहाँ ही नरक है, आगे भी बताते हैं, वो जूनी भी है एक बढ़ता जीवा जी उसके अंदर, लेकिन जूनी से अलावा पहले आप ये सोच रहे हो कि इसी ज़िंदगी में स्वर्ग है, इसी में नरक है, तो आप नरक में जीने के स्वर्ग में जियो, सुख में जियो, खुशी में जियो, उमंग से, ठीक है ना, जिंदगी काटो, तो जिस घर में ये है उस घर के अंदर हद है, फिर ऐसे घर हैं, क्यों मैं काम करता हूँ, सब जगह काम करता हूँ, बड़े बड़े आदमी जज डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक, बल्कि राष्ट्रपति तक मैं जाता हूँ, राष्ट्रपति के पास रह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बन गया, सेना का ऑफिसर था मैं, तो मेरी जो गार्ड की ड्यूटी उनकी रक्षा के लिए थी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के, तो मैं वहाँ तक जाता था, उनको भी देखता था, यंग था मैं बिल्कुल, और ये मेरे को गुरु ज्ञान उस वक्त थोड़ी झलक मिली हुई थी, गुरु ज्ञान की झलक मिली हुई थी मेरे को, मैं इस लाइन में था, तो मैं देखता था कि बस राष्ट्रपति सब वाइजाजें भी आती सभी जननी को ऐसे सलाम करती रेडी होकर के सलवा, हर जगह आज जाकियाँ निकलती थी सबके सब भी निकलती वो 26 जनवरी को, तो वहाँ पर निकलती थी, तो वो देखते थे, और वो राष्ट्रपति को मैं जो प्राइवेट लाइफ उसकी देखता था राष्ट्रपति भवन में, चरखा काटता था, भला आदमी था, और जब वो दमा चढ़ता था ऐसे जीने का डाला होता तो वो कपड़े निकाल निकाल के फेंकता था, और पिया ऐसा ऐसे निपटाता था, मैं सोचता राष्ट्रपति जी तालुक ये तो वहाँ दुखी है, इसे चपड़ा सी ठीक गीत गाता गाता था घर में, अरे तो बिल्कुल बहुत दुख बहुत बुरी हालत में कपड़े काट के फेंक रहा है, तो मैं सोचता है यह शुभ कर्म का फल है, कोई पिछले जन्म में शुभ कर्म किया हुआ है, और उसका फल राष्ट्रपति जो बन गया शुभ कर्म से, और वो जो अशुभ कर्म कर रहा है उसका फल भोग रहा है,
ये चीज़ें मेरे को प्रमाणित है, तो मैं देखता रहता हूँ, हर चीज़ का प्रमाण देखता रहता हूँ कि क्या क्या होता है शुरू सिरे की, और अभी भी देखता रहे हूँ। तो आपको मैंने बताया है आज ये बेटियाँ सत्संग करा रही थी, वो तो एक एक सत्संग करा दो मेरा, अगर अच्छा लगे तो कराना, नहीं तो मत कराना, पहले तो सुन तो ले थोड़ा सा, पहले सुन लो, फिर मैं आपको किताब ये दे रहा हूँ, ये भाई बांट रहे हैं आपको किताब, मैं नहीं बांट रहा हूँ, ये भाई दे रहा है। बोला कि मैं बोला ये शर्त है भाई, 15,000 रुपया लगेगा तेरा, मुफ्त का ज्ञान से क्या फ़ायदा होगा भाई, तो कुछ नहीं ले जाएगा, फर्ज को आती बिनती से करने जा रहा है प्रसाद पूड़ी, तो तेरे को क्या फ़ायदा होगा। तो भाई ये मुफ्त का ज्ञान तुम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे आने जाने का भाड़ा भी देना पड़ेगा। बोले जी दे दूँगा, सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ काम कराने के लिए। ये मनोज बुलाता है मेरे को, अरे ये देख रहा है अपना आप, ये दिलीप मनोज बुलाता है, ये मनोज बुलाता है मेरे को, आप इधर आ जाओ और ये काम करो। तो भी कोई जर्मन आ रहा था इसके पास ज्ञान लेने के लिए, तो इस वो जर्मन मेरे को देखता फिर रहा था, तो इसने बताया बता दे कैसे मैं इसके पास आया हूँ। तो ये इसके काम करने के लिए कुछ पैसे खर्च कराता हूँ, तो इस भाई का 15,000 रुपया खर्च होगा वो, और वो आपको किताबें दे रहा है, फल तो मेरे से सत्संग सुना रहे हैं आपको, और फिर किताबें दे रहा है, इसका फल इसको मिलेगा, इसका शेयर मिलेगा इसको, मेरे को तो क्या शेयर मिलेगा। मैं तो बुलाया आ गया, मैं तो किराया लेके आ गया हूँ, बैठा हूँ साले जाको नहीं, देखो मेरे कुर्सी फटाफट कर ले गया मुझे, तो इसका फ़ायदा ही नहीं। आज जो भाई करा रहे हैं सत्संग आपको, ये इसको लाभ होगा, क्योंकि आपको सत्संग सुना रहा है तो आपके घर में शांति आएगी, आपको कुछ सुख मिलेगा, उसका हिस्सा इसको मिलेगा। तो वहाँ से हंस रहा था, मेरी बेटियों कह रहे थे तुम सब सत्संग करा देना, इससे तुम्हारा लाभ हो जाएगा। तो बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई, बगैर सत्संग के आदमी को ज्ञान नहीं होगा कि सच्चाई क्या है और नहीं वो क्या है। तो सच्चाई है कि आप में ईश्वर है, ईश्वरंश हो, आप उसी का रूप हो, कोई कमी नहीं। वैसे वैसे भी आप लोग भागी हो, अच्छे घरों में पैदा हुआ हो, सेठ साहूकारों के घर में पैदा हुआ हो, और छोटा होता तो तुम बस्ती से देख दिखाओगे, अगर मौको लगे देख लिया करो, जो गरीब आदमी छोटे होंगे बस्ती देखना क्या रहना। तो आप भागी आदमी हो जो कर सत्संग करा सकते हो, वो गरीब आदमी क्या कराएंगे बेचारे, वो तो सारे दिन लड़ते झगड़ने में कोई ना। तो वैसे भी आप बड़े बड़े भाग वाले हो, अच्छे घरों में पैदा हुए हो, अच्छे माँ बाप के पैदा हुए हो, अच्छी शिक्षा ली है, अच्छा आपका घर है, स्वर्गपुर का घर आपके हैं, यहाँ पर लोगों ऐसे घर कहाँ हैं, टपकते ऊपर से इसे आपके गाँव में इधर ही दिल्ली में दिल्ली में बस्तियाँ हैं ऐसी, अगर ऐसी बस्ती देखोगे तो आप देखते रह जाओगे। तो यहाँ पर आप भागी तो हैं, लेकिन अब आपको ये बिन सत्संग विवेक न हो, भाग तो विषय देख के आए, अच्छे हो भागाड़े हो, लेकिन आप में से देख रहे हो कितने आदमी हैं, कितने का सुन रहे हो आप, अगर कह रहे हो पूरी दिल्ली सुन रहे मेरा सत्संग निहाल हो जा, राष्ट्रपति से लेकर कि चपरासी तक सब दुखी हैं, अगर पूरी दिल्ली वाला है सुन रही मेरी बात है, पर सुन कैसे नहीं, भाग्य का मामला है। तो भाग्य का छोटी मिसाल देता हूँ, इधर आपकी कलो आपने ही देख लो, आपने लैंड में ये फ्लैट में ही देख लो, अगर कम से कम फ्लैट वाले सब आगे सुन लेते लाभ हो जाता, लेकिन बगैर भाग्य सुन नहीं सकता। तो आप बड़े भागी हो जो सत्संग सुन रहे हो, और ये सत्संग विशेष है, इससे ज़िंदगी बनती है। तो पहले इधर रहने का सत्संग है, इस ज़िंदगी में कैसे रहें हम सुखी, और कैसे रह सकते हैं, अच्छे विचार रखो, कदे घटिया विचार स्वप्न में सोचो, स्वप्न नहीं, रामायण में लिखा हुआ है स्वप्न नहीं देखे परदोसा, नवदा भक्ति में भगवान राम ज्ञान दे रहे हैं शिवरी को, शिवरी को नौ भक्ति बताई, जब राम उधर गए शिवरी के पास गए थे तो जाके शिवरी बैठी बैठी उनको कुछ बेर ब्यार खिला रही थी, वो खाते जाए मीठे का तो उसको दे दे, वो खा जाए मरा बीठ जूठा और उसको फट खट्टा हो तो ये दे रही थी, ऐसे कराई देख देख साख साख दे रही थी, खा लिया सब, खाने के बाद में फिर चाय पानी 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 पिलाया उनको, पिलाने के बाद में शिवरी कहने लगे महाराज अदमते अदम अदमति नारी तीन पे नाथमती मंद में तारी, महाराज मैं अधम जाति की हूँ नारी हूँ मुझे ज्ञान कैसे दोगे। तो भगवान राम ने कहा कहीं रघुपति सुन भगनी बाता मानो एक भक्ति कर नाता, ये भाण में तो भक्ति का नाता मानता हूँ, तो मेरी भगत हैं, इससे मेरे छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है, बूढ़ी का कोई मतलब नहीं है, अनपढ़ का कोई मतलब नहीं है, तू मेरे भगत है इसे मैं तेरे कहूँगा। तो फिर उसने नौ भक्ति बताई परिवार की, भगवान राम ने शिवरी को कहता नौ भक्ति क्या, बोले भाई प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बड़े आदमियों की संगत करें, सज्जनों की संगत करें, और दूजी रहते मैं कथा प्रसंगा मेरी कथा सुना करें जिससे तेरे को ज्ञान हो, बस ठीक है जी।
और गुरुपद पंग सेवा तीसरे भक्ति बाना, तीसरे को गुरु धारण करके और उसकी सेवा करा कर। और जो पद पंकज जो है गुरु का कुछ और चीज़ है, अंदर का प्रकाश है, यहाँ का बहुत देर दूर में आती है परिवार। और चौथी कहते हैं, चौथी भक्ति है मम गुण गान करी तद कपट अभिमान, जैसे मैं बड़ाई कर रहा हूँ परमात्मा, परमात्मा वो है, लेकिन वो कपट और अभिमान, कपट क्या, कपट क्या है, मैं किसी काम के लिए आया हूँ और वो चाहूँ मेरे को तारीफिया मेरे साथ, तो कपट है कि नहीं है, मन में तो कुछ और है बात बता रहे वो इसकी, तो कपट और अभिमान को छोड़िए करें, मैं तो कुछ नहीं चाहिए वो सत्संग करावे, और चाहे चाहिए के लिए कुछ आया है तो कोई कुछ नहीं, सत्संग नहीं है उसका, क्या सत्संग जो हम सच्चाई बता ही नहीं सकता, मेरा कोई चीज़ दे के आया हूँ, मैं कोई मंदिर बना रहा हूँ, कोई चंदे के लिए आया हूँ, कोई पैसे के लिए आया हूँ, दान दक्षिणा के लिए आया हूँ, तो वो सत्संग नहीं। मम गुण गान कर ही चौथी भक्ति बता रहे हैं, तद कपटी अभिमान। शिवरी फिर आगे बताते हैं, यथा लाभ संतोषा, शिवरी यथा लाभ हो गया तो खुशी और हानि होगी तो खुशी, बात को समझिया वो। और फिर बोलता स्वप्न नहीं देखे प्रदोषा, स्वप्न में प्रदोष नहीं देखना चाहिए, ये सब समझे नहीं बात। और फिर कहता आखिरी कह मम भरोसे ही अरे संदीना, मेरे भरोसे रहे सिर्फ कि जो मैं करता हूँ ठीक है। ये नौ भक्ति बाहर की बताई, और बाहर की बता कि जब भगवान राम जाने लगे तो बोले शिवरी एक बात और सुन ले, बोले हाँ जी, कह ध्यान से सुना मेरी बात, सुन लेती हूँ शिवरी। मम दरस फल परम अनुपा जीव पावन सहस रूपा, ये शिवरी मेरा रूप बड़ा अनुपम है, कब, जब मैं गुरु बन के आता हूँ, क्यों, कि मैं जीव को बता सकता हूँ कि तू तेरा रूप देखने के बता रहे ऐसे ऐसे देख, देखने का तरीका क्या है, अंदर होता है इधर से। तो दूसरी भक्ति क्या बताई उन्हें आखिरी, नौ भक्ति तो बारह बताई कैसे रहना चाहिए, और दसवीं भक्ति उन्हें बताई कि दसवीं भक्ति जो है कि वो मेरे दर्शन में जब आता हूँ मनुष्य रूप में, तो आखिर फिर ज्ञान देने के लिए, मनुष्य रूप में तो है मेरे अंदर परमात्मा तो, पर जब मैं ज्ञान देने के लिए आता हूँ मनुष्यों के अंदर, उस वक्त मम दरस फल परम रूपा, उस समय मेरा रूप अनुपम है, क्यों है, कि मैं ही बताऊँगा जीव को कि तेरा रूप देखने का तरीका ये है, उरे ध्यान कर पहले ये मिल जाएगा, दुनिया की चीज़ मिल जाएगी, उरे ध्यान कर ज्ञान मिल जाएगा, उरे ध्यान कर ये कर मिल जाएगा, ये करते करते मैं सिखाऊँगा उसको, और आखिर ये चोटी के पास जब जाएगा उस पर ज्ञान उसके मिल जाएगा, उसी परमात्मा से मिल जाएगा, समझे ना बात। तो ये बात पहले लिखी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रमाणित करता हूँ कि हिंदू धर्म में पहले लिखी हुई है, शुरू से रामायण में लिखा है ये बात, पर कौन तो रामायण को पढ़ के बताओ, कौन समझावे, ये कोई अनुभवी आदमी वो समझा सकता नहीं, समझा नहीं सकता, रामायण में कोई कसर नहीं छोड़ी है, किसी ग्रंथ के अंदर जो लिखा सब धन्य महात्मा, लेकिन आपकी रामायण बता रहा हूँ प्रभु, सबू सबू दे रहा हूँ आपको, कैसा लिखा और वो लिखा, रोज पढ़ी सुनाते थे, पढ़ लेते पढ़ 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 बोल जाते हैं, और कोई बहुत जानता है निवेद, ठीक है ना बात। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि ये बात तो मैं बता रहा हूँ पहले बताई हुई है, पर लोगों ने बात को समझा नहीं। तो अभी श्लोक में क्या है वो बात है, वो बात है कि जब वो परमात्मा मनुष्य रूप में आता है इधर ज्ञान देने के लिए आपको, ज्ञान तो आपके अंदर मनुष्य रूप परमात्मा तो आपके अंदर है सब में, वो ज्ञान देने के लिए जब आता है तो उसको नाम गुरु बताया है, और वो ज्ञान देता है, तो ज्ञान पहले अलग चीज़ रहता है। श्लोक में सुकिरण है तो पहले गुरु मार बाप हैं, पहले गुरु मार बाप हैं, गुरु माता गुरु पिता, तो जो सुबह की तरफ उठता है और उठ कर ही लोक में सुखीरण उठती है सुबह अपनी माँ के, माता जी आशीर्वाद दो, मैं सुखी रहूँ, मेरे को आशीर्वाद दो पिताजी आशीर्वाद, बूढ़ा हो गया दाढ़ी धोड़ी हो रही है, फिर माँ बाप जाके फिर चरण स्पर्श करता है, वो मंदिर वो ही मानता है, तो माँ का दिल खुश होगा कि देखो मेरा बेटा मेरे को आगे चलना सफल करता, वो आशीर्वाद देगी। तो पहला गुरु ये है दुनिया में, तो आप में कितने बेटे हैं या भुआ जो सुबह उठे सास को जाके चरण स्पर्श करें, माता जी आशीर्वाद दो, सास रह चली गई तो सास को सुन लो बाप, कल डॉक्टर ने मेरे पास आई थी, मैं नाम नहीं लेता अभी, रोज ही आते मेरे पास है, तो वह आकर ये बोली कि भारत दृश्य ऐसी बात से नाराज़ी होगी, मैं किसकी होगी, बोले मैं कुछ कह दिया जब नाराज़ हो गया, ये हो गया, तू नाराज़ की बात क्यों करी थी, अगले घर में गई, बोले नहीं वो मेरी सास सुस है ना, बहुत बाँ के लिए मैं कुछ क्या बात कह दी, मैं क्या कह दी, कह दी ऐसे ही है तेरे तेरे माँ बाप ठीक हो नहीं, पति ने तो पति नाराज़ हो गया, वो तभी का माँ बाप ने क्यों कहा, बोले तो बतो करे वो यही गलती बहानी थे, अरे तो तेरे माँ बाप ये बोले तो तेरे माँ बाप ये हो गया भी है,
भाई सास को तो वो समझती, चरण स्पर्श करती थी, बात करने की जगह नहीं थी, उसको ज्ञान नहीं था इस बात का, समझ रहे आप। तो इसको जो ज्ञान नहीं है तो वो परेशानी रहेगी, ज्ञान देने की जरूरत है। आई नहीं समझ आपको, तो मैं जो बता रहा है इस लोक का सुख तो इधर से इस तरह से, और वो जो बताए महात्मा जो जो सत्संग देते हैं वो आगे ये बात बताते हैं, वो कह इससे कह सुखी हो तो खूब बड़े आदमी बन गए, अरबापति हो, डॉक्टर को इंजीनियर, बड़े आदमी बन गए, थक गए खेल खेल के, थक गए बिल्कुल से कि भाई सब कुछ हो गया, अरे सुख नहीं है। कभी शरीर का तर रोग हो जाता है, कभी मन की चिंता हो जाती है, कभी कभी आनंद खत्म हो जाता है, कोई चोखो ना गए, मीठो को ना गए कोई चीज़। तो ये जब सब सब चीज़ खत्म हो जाए तब फिर वो आगे की चीज़ है, जब सब चीज़ आनंद खत्म हो तब फिर वो आगे की चीज़ है जाने की। तो आपको वो आगे वाली चीज़ के लिए जरूरत नहीं होकर के पर यह चीज़ की जरूरत है, इस लोक में सुखी रहने की जरूरत है। तो इस लोक में सुखी रहने के लिए कोई अनुभवी आदमी आए जो आपकी तरह से हो, और जिसके अंदर वो ऐब नहीं हो, कोई कमी बेशी नहीं हो, अपने मतलब के लिए आएगा तो वो नहीं देगा, नहीं देगा। महात्मा धन ने जो आश्रम बना रखे वो ये नहीं कहे गलत हैं, वो मानता उसके लिए ठीक है बिल्कुल, मेरे बातों से तो विश्वास टूटेगा बिल्कुल, मेरी बातों से तो विश्वास, मैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ बताऊँगा, मैं तो मनुष्य मात्र का धर्म बताऊँगा, पूरी मनुष्य मात्र के लिए ऐसी है, एक आदमी के लिए नहीं बताऊँगा। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ उधर मनुष्य मात्र को ज्ञान देता हूँ, ये पूरी दुनिया के आदमी अगर मेरी बात को सुनते हैं, सुनते हैं अभी अभी सुनते हैं, मेरे नेट पर भी सुनते हैं, और लोग बात करते हैं टेलीफोन पर, फिर कंटेक्ट नंबर होते हैं कि आपने बात बहुत बढ़िया कही, आपने बात बहुत बढ़िया कही, हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मैं भी किससे मिलूँ, मैं न मैं किसी को चेला बनाया, नहीं मेरे पास कोई आश्रम है, न कुछ बात है, तो मेरे नेट पर सुन लिया करो भैया, आजकल सुविधा है, और अच्छी लागे तो ठीक है, जो कोई पूछ रहा दीदी पूछ लिया करो यार, ये मेरे पास आओगे दक्षिणा दोगे ये करोगे वो करोगे तो वहीं से पूछ लिया करो मेरे को। अब समझे ना बात। तो बेटियों मैं आज का सत्संग आपको ये दे रहा हूँ कि इस लोक में सुखी रहें, और वो जो जानना चाहते हो वो मामूली सी बात है, और कोई जानना चाहता है, मैंने कोई साधु दिखा नहीं, कोई साधना करने वाला तो वो बता दूँ, कई साधना कर रहते थे ना, कई साधु शुरू बने फिरते महात्मा दाड़ा रखे बैठे, तो वो बैठे हैं तो बोलते भाई साधना की बात बताते, तो साधना करना चाहते हो बता देता हूँ, तो साधना तो करते नहीं, मैं संस्कार देता हूँ। डॉक्टर कमला कहती हर सत्संग के बाद आप बता दिया करें, ये बैठे क्योंकि मेरी पुस्तकों की प्रकाशिका है। मैं बोले क्या ये समझेगा कौन है, बोले समझो और मत समझो, आप बता जरूर दिया करो, पूछ रहे इसको इसे क्या, बोले कोई समझता था नहीं, बोले अब इसको छोड़ो आप संस्कार तो देते हो कहने, कब से पता तो चल जाए कैसे हो जाऊँ, ठीक है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ साधारण क्या बात है। साधारण बात यह है कि आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं या अपने रूप को जानना चाहते हैं, आपको जान लिया तो भी परमात्मा से मिल लिया, क्यों आप कहते परमात्मा ही तो बोल रहा है, इसी को तो जानना है, तो उससे मिलना चाहते हैं, तो ये तरीका है कि यहाँ पर ही ध्यान करोगा पहले स्थान के ऊपर, और ध्यान पक्का हो जाएगा, तो ध्यान पक्का हो जाएगा बिल्कुल से मन इधर उधर नहीं डोलेगा, उस वक्त आपके अंदर से टाली बजाएगी, आप मंदिर में जाते हैं ना से टन टन टाली आ जाएगी, पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा और आपको सिद्धि मिलेगी। सिद्धि क्या मिलेगी कि जो चीज़ आप सोचोगे वही होगी, अगर गुस्सा करके बुरा करोगे पति का बुरा चाहोगे तो पति को रहेगा नहीं, ये इतनी शक्ति आ जाएगी, और बेटे का बुरा चाहोगे तो बेटे का बुरा हो जाएगा सिद्धि आने के बाद में। तो परिवार पहले माता दूसरी देते थे ने, तो बताया जाता कि ये ज्ञान दे लो करो, अपने आगे किसी का बुरा मत सोचना, अच्छा सोचना, सब शिव शंकर मस्त हो, ये ज्ञान दे लो। तो ये तो दुनिया की चीज़ है, दुकान मकान हाट हवेली जो कुछ चाहिए मोटी चीज़ सबूतूल वो इधर पर ध्यान से मिल जाती है, और दूसरी जगह ध्यान करते हो ज्ञान चाहते हो आप कोई तरह का, क्यों ज्ञान बिना आदमी अधूरा है, तो ज्ञान के लिए इधर इकट्ठा होना पड़ेगा। ओम का स्थान कहते हैं, इसे ओम कहते हैं, इसको टीका करते हैं पंडित जी, या बेटियाँ करती हैं, यहाँ तो बेटियाँ करती हैं सीधी दुनिया की, और जो आम पंडित वगैरह पुरोहित होते हैं वो ज़्यादातर इधर आ जाते हैं बीच में, इधर टीका करते हैं, या कोई ज्ञान चाहिए तो वो यहाँ टीका करते हैं, कई दोनों जगह भी करते हैं, इधर यहाँ ध्यान वो करो, इधर ध्यान करने से मन इकट्ठा हो जाएगा, मन इकट्ठा होगा थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि गुरु के जो इष्ट को रूप बनाना पड़ेगा आपको, कोई इष्ट बना रहा है ना, तो परमात्मा बनाया है ना जिसको, कि जिंदगी को किसी आदमी को या कोई मूर्ति को, तो इधर जोर लगाना पड़ेगा, जब जोर लगाओगे तो क्या कर ताकत आ गई, ये नस कमज़ोर बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, तो इससे लाल रंग का प्रकाश दिखेगा, वो इष्ट की मूर्ति आपको लाल दिखेगी, ये अंदर ये देखा उधर,
और साथ साथ आवाज़ आएगी ओम 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 की ध्वनि। अरे इन ओम आती है, ओम ना आएगी तो अमीन आएगा तो नगारी दम दम, ये आदमी की प्रतिकृति के अनुसार सब सुनेगा उसको अंदर। तो ये समझो आपका ध्यान बन गया। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या जानना चाहते हो आप वो जान लो, इस लोक की चीज़ जान लो चाहे वह लोक की जान लो, और ये जानना चाहते हो विष्णु लोक में क्या है तो विष्णु लोक सामने आ जाएगा, शिवलोक में क्या है तो वो सामने आ जाएगा, जैसे जैसे वो सामने आ जाएगा। और जब ये ध्यान ज्ञान हो गया और आगे जाना चाहते हो फिर जो आपको अनुभव याद बताएगा ये मंजिल नहीं है, जहाँ जाना है आपने वो आगे है ही, तो पड़ाव है पहला, दूसरा पड़ाव है सेकंड, तो तीसरा पड़ाव पर सारंगी जैसी आवाज़ आएगी टी टी टी, और ये थोड़ा सा इसे ऊपर है सारंगी होती है शे शे बोलती है ना से वो, और साथ ही चांद से चांदनी होगी यहाँ का अनुभव। ये तो बढ़िया ध्यान आपका, फिर मिल गया फल क्या मिलेगा, मस्ती रहेगी, नशा रहेगा, चलते फिरते खाते पीते बेफिक्री रहेगी, तो भांगू वो साधुओं का बहुत बढ़िया को नहीं, और भांग उठ के पीने लगे कि नशा ले लो, भांग का नशा करते हैं। तो इसके लिए गुरु नानक देव ने कहा रात पी नानका, रात को दो पैग पिया नशा रहा खूब हसी बेफिक्री, और उतर गई प्रभात है और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो ये इस मस्ती मस्ती का मस्ती डनी है, तो यहाँ पर ठहरो जरा करके सारे ये जगह, और फिर मस्ती फिर बता महात्मा जी कहते मस्ती थोड़ी देर की रहती है हमेशा नहीं रहती, तो मंजिल आ गया भाई तो यहाँ पर मस्ती मुड़ जाए यार बाजार में आगे चले, तो अनुभव महात्मा क्या बोलते अनुभवी आदमी है, आजकल महात्मा के नाम पर तो गड़बड़ है, कलयुग के अंदर ताटिया सगलाई टोका टीका टामा महात्मा वगैरह, कलयुग के महात्माओं ने सीधी बात कह दी यार क्यों काम करूँ जी रहो इन बातों, तुम साधारण आदमी रहो साधारण से बात करो, तो वो आदमी साधारण जो जानता अनुभव करता है उसको कुछ करेगा कुछ नहीं, को टीका लगाओ न को टामा लगाओ न को माला पहले न कोर पहले न कुछ ही पहलेगा, ये तो पुराने बताएं सही नहीं। वैसे अभी आपने बड़े आदमी को चाणी के ये रिवाज है इसका करना पहनाना, अभी जो करे मेरे को करेगा बारह दया नहीं है, ये संत मतलब नहीं है, संत मत आई बैठ जाओ और जो वो क्या बात करता है वो बात सुन लो, अच्छी लगे तो वो ठीक है उस पर काम करो नहीं छोड़ दो, संत मतलब सीधी सी बात है ज़्यादा बस ज़्यादा सांग की जरूरत नहीं है, आज का धर्म बता रहे हैं, और पहले था अभी भी करिए अभी पुरानी लकीर पीटते आ रहे हैं ना, अब वही हालांकि अब प्रकाश दिखाना दिखाते हैं तो वो संत मत प्रकाश अंदर देख लो फिर क्या देखोगे, इधर इशारा तो अंदर का है वो, लेकिन वो इशारा है उसके लिए, तो संत मत कुछ नहीं है, सिर्फ आओ बैठ जाओ और जो बोलता है उसकी बात का पर ध्यान रखो, उसमें ये कहा करते जाए इधर जाएगा उधर ले आओ जाएगा इधर ले आओ, लाने की कोशिश करो, और जब रुक जाता है तो आपका योग बन गया, योग बन गया, योग का मतलब है मन इकट्ठा करना, जोड़ने का मतलब मन इकट्ठा करना, तो किससे परमात्मा से, तो परमात्मा से पहले करो कम से कम पहले जोड़ तो ले जोड़ इस बनाया वो, तो बाहर वाला आदमी जो ज्ञान था उस पर तो रोक लो, कोई देता आपको उस पर रोक लो मन तो ठीक हो जाएगा, यहाँ तक पूछिए। अब इसके बाद फिर भी वो बताएगा कि ये तो मन रोकने की बातें कर रहे आगे की, ये तो नशे वाली बात थी, आगे चल आगे चलेगा तो सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाता है इसके ऊपर थोड़ी इस जगह पर थोड़ा उसके ऊपर, और सफ़ेद रंग का प्रकाश लंबी चौड़ी लीला है ये वो यहाँ तक आता है इधर, वो तो दुनिया बसी हुई है बहुत ज़्यादा, अगर सफ़ेद रंग का प्रकाश में ठहरोगे तो दुनिया बसी हुई है बहुत ज़्यादा, और उसको सोहम सोहम कहते हैं, सोहम का मानी मैं वही हूँ, इन प्रकाश बताता है कि मैं वही हूँ तेरे अंदर वही चीज़ है पता चलेगा, तो इसको भी जगह छुटाएगा महात्मा, जो अनुभवी आदमी है वो छुटाएगा, कहते ये तो तू देखता आनंद देता है आनंद की बात है, तू देख रहा तेरा आनंद आएगा तेरा मस्ती रहेगी खुशी रहेगी बहुत खुशी रहेगी, ब्यान जी का सवाल ही कोई नहीं वहाँ पर, दुख का कोई नाम ही नहीं है, जो प्रकाश में रहोगे इतने आनंद के कुछ और नहीं है, उसका छुटाने के बाद उसका आगे चलो भाई ये जगह नहीं है तेरी, तो तू जो आया हुआ आगे जगह है तो आगे जाने की कोशिश करेगा, तब वो जो छोटा बच्चा होता है ना छोटा दो बना का दो बना एक बना तीन बना का उसके टिप 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 इधर करता नहीं एक नाड़ी से आती है ना इधर यहाँ पर ये स्थान पर आके रुकेगा वो इस जगह पर, और इस स्थान का नाम है यहाँ पर नाम देते हैं महात्मा इसका अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन,
यानी इसका बयान नहीं किया जा सकता, अनुभव कर रहे, इस चीज़ का बयान नहीं किया जा, नहीं लिखी जा सकती है चीज़ और न मुझसे बताई जा सकती, तो अनुभव कैसे करेगा? वो अनुभव महात्मा कराएगा, वो जो अनुभव आदमी कराएगा, वो कैसे कराएगा? जैसे मैं गुड़ खा रहा हूँ, आप बोले क्या खा रहे हो? मैं गुड़ खा रहा हूँ जी। कैसे है वो? मीठा है। कैसे मीठा है? वो बहुत मीठा है। फिर भी बताओ मुझको, बहुत मीठा है। ये खांड जैसा है? नहीं। तो जलेबी जैसा है? बस जितने नाम लोगे मैं बोलूँगा गुड़ का स्वाद तो गुड़ में ही है, उसमें है कोई नहीं, है कोई नहीं। तो फिर आपको मुझे अनुभव कराने के लिए क्या करूँगा, एक डड़ी तोड़ के आपको दे दूँगा, हेलो आप समझिए बात। तो ये अनुभव का सब्जेक्ट है, यहाँ सबसे ऊपर सिर्फ बताया नहीं जा सकता अनुभव का, ये अलग का स्थान भी और अगम एक दोष है उसका भी अनुभव कहेगा है। और फिर अनामी ये है चोटी, इस चोटी के ऊपर दबाओगे तो न तो सुनने वाली चीज़ रहेगी ना आप रहोगे, न तो सुनने वाली ये बोलने वाली चीज़ होगी बोल रही है और न जिसको देख रहे वो रहेगी, न तो वो अंदर से शब्द की धार राम नाम कहते हैं उसको, न तो वो राम नाम रहेगा और न राम का अनुभव सुनने वाला रहेगा। इसका मतलब बबून थी जाएगी उसमें मिलेगी, सूर्य उपमा में जाएगी मिलेगी, या पानी है तो पानी में मिलेगी, जब बूंद है ऊपर से और टप दे पानी के अंदर गिरी पानी का रूप बन गई, तो वहाँ पर जब चले जाओगे तो सब बात ख़त्म और यहाँ का सब मामला ख़त्म और ये कोई बात ही नहीं। अब उधर पूछे आदमी को फिर महात्मा सत्संग कराएगा कि उसका यह चीज़ यह है कि तेरा अंत समय में यह चीज़ रहेगी जो तो वापस आएगा नहीं, जब अंत जाएगा, जब जाएगा कब? जब पीछे का कर्जा चुकाना है, पिछले जन्म जो लिया दिया है, किसी दिया सुख दिया, किसी दुख दिया है, किसी पैसे दिए हैं, पुपरी का जो कर्जा दिएड़ा है या दिएड़ा है, दिएड़ा तो वैसे उगाएगा और जो लिएड़ा तो देगा, जिसके बाद फिर तू वापस नहीं आएगा, ये सत्संग कराएगा। फिर बोला तू जो अब कैसे जी, अब इस दुनिया में जो रहता तो वैसे खुश रहे बिल्कुल से और देखता रहे हर सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है, जिसको देखता उसे वही देखता रहे और तमाशा और कोई कुछ नहीं हो रहा, हो रहा सो कोई दो आदमी लड़ रहे हैं तो वो लोग कोई नहीं परमात्मा ही लड़ रहा है, दिखा रहा है। एक आदमी एक लाठी मारी वो मर गया तो बोले ने तो इसने मारा, वो उसे नहीं देखता मार दिया, वो कहता परमात्मा ये ड्रामा दिखाया है, कोई मारने वाला ही वही, मरने वाला वही है, वही करे सब काम, मतलब सब देखते जिधर देखता उधर तू ही तू है, हर समय चलवाते रहा वो तू जीवन ऐसी दृष्टि रख और जब जाएगा कर्म खत्म हो जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, फिर तो द्वारा जन्म नहीं देगा यहाँ इस लोक में नहीं आएगा। अब ये बात तुमने बताई है तो नहीं तो आप पूछने के लिए आए और नहीं मैं बताने के लिए आया था, तो इसके कहने पर मैंने ये बात बता रहा हूँ कि भैया बोलिए बता दिया करो, अब नहीं संस्कार पड़ जाए कि किसी ज़माने में काम आ जाएगा, कोई कोई इनमें इसका अधिकारी होगा तो उसको मालूम होगा अंदर मिलने का तरीका ये, तो संस्कार रह जाएगा और कोई लिख लेगा, कोई अच्छा आदमी लिख लेगा इससे ये तो आप तरह हो तो वो छोड़ जाएगा शास्त्र में लिख करके, ये बताने इसे बताया नहीं तो आपको बताने की जरूरत नहीं थी, आपके मतलब की बात में पहले बता दी और पहला करोगे तब तो आगे जाओगे, पहले मतलब खेलो खो हुए कुड़ कहते आप इधर पूछ जाओ, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मैं जाओ स्वाद दो, इस जैसा स्वाद कहीं मिलेगा नहीं, इस दुनिया में जो स्वाद दे रहे ऐसा स्वाद नहीं है, ये दोनों चीज़ साथ दुख दुख सुख दोनों हैं क्यों ज्ञान के कारण, ठीक है ना, बाकी दुनिया का बस स्वाद देखो जो कुछ बनाया और बनो और बनो और आप उसमें एक दूसरे देख के खुश हो, अच्छी बातें करो घटिया तो बातें करो ही बना मेरे को, और जब थक जाओ नहीं ये सब कुछ करते फिर सोचोगे बाकी ये दुख सुख के सिवा कोई बात नहीं है, बुढ़ापे का भी दुख आता है, ये आता है वो आता है ये आता है तकलीफ होती तब महसूस करे मैं बूढ़ा हो गया अब मेरे को दुख नहीं सुख नहीं तकलीफ है मेरे कोई तकलीफ मैं जानता ही नहीं हूँ क्यों है मैं जान भेद दर्द का पता है मेरे को, हाया नहीं करता आती दर्द तो होता है कभी थोड़ी देर पर इतना नहीं हाया नहीं करता किसी नहीं बताता घुटना में तकलीफ है, अब मेरे को हाया करते सुने आपने कभी हाय मेरा दर्द है नहीं कहता ना मेरे को क्यों मेरे को पता है इस बात का। तो आज बेटी और भाइयों आज के सत्संग में मैंने आपको जैसे आप लोग आए आज जैसे मैं समझा वैसे बता दिया, अब इसी तरह के सत्संग सुनते रहोगे तब तो आपको काम, मेरा सत्संग आपको अच्छा लग गया हो तब तो किताब लेना और किताबों पढ़ना देख लो फिर आपको याद हो जाएगा और किताब पर तो आपके लिए लेना और जो पैसे का कोई तकलीफ नहीं है तो मामूली बात है 350 रुपया में पूरी सेट आ जाएगी, एक कैलेंडर 360 रुपया का माँ 17 पुस्तक ले जाइए रख दो घर में, बेटा पढ़े भू पढ़े भाई पढ़े टाइम ले पढ़ा, पढ़ने वाले बच्चों को बोलो मत पढ़ो भाई तुम पढ़ाई के बाद नंबर दो उनको बताता हूँ तुम पढ़ना पढ़ना
और फिर उनमें कोई पढ़ना चाहता है तो कोई अर्ज नहीं पढ़ के, मैं तो सब पढ़ो उसके अंदर जिसको टाइम है, जितना जितना रुचि है जितना पढ़ लो किताब। और किताबों के अलावा अगर आप और जो चाहते हो टाइम आपके पास है तो आप यूट्यूब के सुन लो, आपके पास कहीं व्हाट्सअप होता है ना कहीं आपके पास, तो उसी तरह बोलो कैप्टन लालचंद तो मेरे सत्संग आ जाएंगे, 150 सत्संग तो बिहानी से आ जाएंगे और कई जगह से आ जाते हैं। 5 चैनल खुले हुए मेरे मेरे ज्ञान के 5 जगह से, और सबसे ज़्यादा चमकीला इसका है मनोज कुमार जी का, वो सुनते ही मेरी बात ठीक हो जाएगा। और इसका अंग्रेजी में भी है, और इसका फिर वो मेरे गुरु जी का भी है, अलग अलग सत्संग इसने दे रखे, तो इसका जो चैनल है वो सबसे टॉप का है। इसका जो सुन लेगा दूसरा सुनेगा वो नहीं, इस सारा सुनेगा। फिर 5 चैनल चल रही, एक मनोज जी के पास है, एक है कोई इनका भाई का बेटा वो है, एक कोई यूके में डॉक्टर है वैसे उसके पास है, एक बिहानी के अंदर है, एक जयपुर में है, ऐसे 5 जगह चैनल चलते हैं। तो आज का सत्संग बता दिया सुनने के लिए आपको, और साथ ही बता दिया पढ़ने के लिए। अब सबसे सस्ता काम बताता हूँ जो आप कर सकते हो, सबसे सस्ता है डॉक्टर कमला जी है, इसके पास चिप्स हैं, ताना कोई उसमें यूट्यूब पर लगाना नहीं, कोई उसमें लगाना नहीं, कोई सुनने की मजबूरी है तो सुनो, कोई बात खुली है एक मिनट कोई बात नहीं है, बस उसके अंदर जो लगा के लगा बच्चे जानते हैं आपके मोबाइल के उसमें डाल देंगे मेमोरी कार्ड में, साधारण मोबाइल कोई किसी तरह का मोबाइल हो और उसके अंदर आप सुनोगा तो उस मोबाइल के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, पर तो बताओ कि शब्द मिलेंगे खूब तो आपको ज्ञान होगा। दूसरा फिर मेरे गुरु जी का सत्संग है, 7 सत्संग है जो 14 टुकड़ा बना रखे उसका, बस 7 सत्संग आप सुन लोगे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई महात्मा पूछने की ज़रूरत नहीं, क्या करते वो 7 सत्संग अगर याद कर लिया तो आप भी याद करो, दादी है उसको भी सुनाओ, वो बेटे सुनाओ, सबके सुनो और काम कर लो। जो ज़्यादा विद्वान ज्ञान देना चाहते हैं वो मेरी सब पूछ सकते हैं, वो उस पर मित्र हैं और सब नेता सब तरह की बात कमी बेची सब ज़्यादा ही वो उनके लिए। और जो केवल घरेलू शांति चाहता है तो मैंने आपको तरीका बता दिया ज्ञान का, जो मैं ज्ञान दिया वो उसके लिए यह है, अगर आपको अच्छा लगे तो सुनो, आपको अच्छा लगे तो पढ़ो, आपको अच्छा लगे तो चिप्स ले लो जिसमें तो कुछ ही नहीं करना, घर दादी भी सुन ले, बेटा भी सुन ले, पोता भी सुन ले, सब सुन लो और पूरा ज्ञान हो जाएगा घर में ही। तो आज के सत्संग में बेटियों जो मैंने मोटे तौर से जो कुछ मैं समझा बता दिया और जैसा है, और अगर आपकी तबीयत अच्छा लगे तो फिर बता देना और फिर करा लेना, मेरे पास जाने की जरूरत कौन था, थाना घर में ही बता देश हो, ये मनोज कुमार सिंगल पित्यपुरा में रहता है, इसको कई टाइम हो संडे को कई 15-10 इकट्ठे हो जाना, घर का आदमी दूसरे आदमी इकट्ठा कर लेना, ये इतना रुपया भी कोई खर्च कराओगा या आपसे थोड़ा कराओगा, ये जितने बैठे उतनी आपको किताब देगा 2-3 दिन देता नहीं, ठीक है, तो आपके घर में कोई जाने को मैं सत्र देता वो ये देगा, आप समझो घर में ही करा लेना और फिर मेरी शौक रह जाएगा फिर बुला लेगा यो बुला लेगा, ठीक है। तो आज के सत्संग में आपको ये बता दिया, जिसके भाई बेटी बात टाइम है ना और जो चाहती है मैं ज्ञान दूँ आगे चल के तो सारी देना चाहता हूँ सारी देना बाद में आज ही दे दूँगा, और आज तो वो ये कौन से भाई ये दे रहे हैं आज तो आज का सत्संग ये तो पूरी बात आपको ये बता दिया, ये किताबों के लिए हो गया।